Hi friends, welcome back on our YouTube channel. In the current lecture of microwave electronics, we will discuss about M-type tube or cross-field tube. So, what is M-type tube or cross-field tube? These tubes are microwave vacuum tube. So, M-type tube ya cross-field tube actual mein microwave vacuum tube hai. These are widely used as high power source of microwave power with limited electronic tuning and modulating capabilities. ये जो tube हैं, ये हमारी mainly या widely microwave power में as a high power source use होती हैं with limited electronic tuning and modulating capabilities. Electron motion takes place in a region where static electric and magnetic fields are perpendicular to each other, hence it is cross-field tube. क्योंकि M-type tube में जो electron का motion है, वो उस region में होता है, जहाँ पर static electric and magnetic field आपका एक दूसरे से perpendicular होता है, इसलिए इन tube को हमने cross-field tube भी कहा है. Electrons emitted by cathode are accelerated by electric field and gain velocity. So, in tube mein electrons hamare cathode se emit hote hain and electric field se accelerate hokar ye velocity gain karte hain. Since electrons also crosses the magnetic field through its path bands, kyunki ye jo hamare electron hain ye electric field mein move kar rahe the aur saath mein ye मैग्नेटिक फील्ड से भी क्रॉस होते हैं, इसलिए इनका जो एक्चुअल पाथ है वो बेंड हो जाता है. सो अगर इलेक्ट्रॉन आपके इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस होंगे इनका पाथ बेंड हो जाएगा या डेविएट हो जाएगा. ग्रेटर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर देयर पाथ विल बी बेंड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. सो इलेक्ट्रॉन्स की जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी, उतने ही जब वे मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस होंगे तो उनका पाथ डेविएट होगा या वो अपने पाथ से बेंड होंगे. नाउ माइक्रोवेव वैक्यूम ट्यूब. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव वैक्यूम ट्यूब. वन इज ओ टाइप ट्यूब एंड अनदर वन इज एम टाइप ट्यूब. इन ओ टाइप ट्यूब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी. सो ओ टाइप ट्यूब में हमारी काइनेटिक एनर्जी रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी में कन्वर्ट होती है एंड इन एम टाइप ट्यूब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव. जबकि एम टाइप ट्यूब में पोटेंशियल एनर्जी रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी में कन्वर्ट होती है. इन ओ टाइप ट्यूब रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर फोकसिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम ओनली. सो ओ टाइप ट्यूब में जो मैग्नेटिक फील्ड का रोल है वो केवल इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करने में होता है एंड द रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एम टाइप ट्यूब इज डायरेक्ट रोल इन रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरेक्शन प्रोसेस. सो एम टाइप ट्यूब में जो मैग्नेटिक फील्ड का रोल है या मैग्नेटिक फील्ड क्या प्ले करती है, इट प्लेस डायरेक्ट रोल इन रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरेक्शन प्रोसेस. तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरेक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है. इन ओ टाइप ट्यूब डीसी मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड. सो यहां पर डीसी मैग्नेटिक फील्ड डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है, वेयर एज इन एम टाइप ट्यूब डीसी मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड. सो एम टाइप ट्यूब में डीसी मैग्नेटिक फील्ड डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. ओ टाइप ट्यूब इज लीनियर बीम ट्यूब, वेयर एज एम टाइप ट्यूब इज क्रॉस फील्ड ट्यूब. ओ टाइप ट्यूब हमारी लीनियर बीम ट्यूब है, जबकि एम टाइप ट्यूब हमारी क्रॉस फील्ड ट्यूब है. नाउ टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओ टाइप ट्यूब,
whereas magnetron, gyrotron, etc. are the examples of M-type tube. So here we end our session. In the current session, we have discussed about M-type tube or cross-field tube. So goodbye.